Hello everyone, welcome to Dimple Art Creation. मैं एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ. इससे पहले आप प्लीज़ आप अगर आपको मेरी ये एक्टिविटीज पसंद आए तो आप मेरे फेसबुक का पेज डिम्पल आर्ट क्रिएशन को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल पर डिम्पल आर्ट क्रिएशन हॉबी क्लासेस है उसे भी लाइक करना मत भूलिएगा. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी. ये बहुत ही सिंपल एंड इजी है. ये कोई भी कर सकता है, बड़े हो या बच्चे लोग हो, कोई भी कर सकता है. इसके लिए ये एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ. आपको फर्स्ट चाहिए रहेगा कोई भी कार्डबोर्ड या तो वेस्ट, आपके पास जो भी नोटबुक का पुट्ठा हो या कुछ भी चलेगा. सेकंड आपको चाहिए न्यूज़पेपर, बाद में ब्रशेस, कलर्स, कोई भी कलर, ब्लैक कलर सबके पास नॉर्मली मिल जाएगा आपको, फेविकॉल, परमानेंट मार्कर, बस इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ये एक्टिविटी के लिए. बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनती है ये एक्टिविटी. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग ये पुट्ठे को न्यूज़पेपर से कवर कर देंगे. मैंने डबल पेपर इसलिए लिया है एजेस पे ताकि आप कलर्स करें तभी वो फट ना जाए. आप चाहे तो आप एक्स्ट्रा पेपर्स को कटिंग भी कर सकते हैं.
ये एक्टिविटी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है और बहुत मज़ा आता है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका कैनवस बोर्ड, बहुत ही सस्ते में काम होता है और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट भी होता है, और आप चाहे उतनी नई नई एक्टिविटीज इस पर ट्राई कर सकते हैं। अभी इसके लिए हमें और एक चीज़ करनी है कि इसकी फ्रेम बनानी है हमें, सी ऐसे। ये मैंने रेडीमेड बना के हुए रखी हुई है, आपको दिखा रही हूँ मैं कि आपको कैसे करनी है। आपने पेपर लिया, अभी ये पेपर को आपको जस्ट सिंपली रोल करना है। ठीक है, और यहाँ पे एजेस पे आके इसको स्टिक कर देना है। वैसे ही हम और एक रूल बनाएंगे, हमें क्या करना है, स्टिकिंग पोर्शन करना है। ये रोल्स को यहाँ पे हम लोग स्टिक कर देंगे। ऐसे एक्स्ट्रा पोर्शन हम लोग कटिंग कर देंगे, मार्किंग कर लें। हम फेविकॉल की मदद से इसे हम स्टिक कर देंगे।
इसके लिए फ्रेंड्स आपको महंगे कैनवास लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय करके बनाते हैं और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट भी बनता है। आप चाहें उतना, अगर ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो गया, आपको कुछ और करना है, बस सिंपली ये निकाल दीजिए और इसकी जगह पे कुछ और इसके ऊपर पेपर्स निकाल के और रैपिंग करके आप कुछ और बनाइए। ये हो गया आपका फ्रेम, ठीक है। अभी इसे हम कलर करेंगे। स्टिकिंग प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप जब कलर करिए तभी वो निकले ना। आप पोस्टर कलर ले लीजिए, आप पेप कलर ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फैब्रिक कलर्स ही होने चाहिए आपके पास एक्रेलिक कलर। अभी हम लोग कलर स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? फ्रेम को हमें ब्लैक कलर अप्लाई करना है क्योंकि आप जानते ही हैं ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है, आप ज़रूर ये ट्राई कर लें और मुझे पोस्ट करिए। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आपको नीचे कहीं पे कलर बच जाता है
अभी इसे इसके ऊपर हम पेंटिंग करेंगे। आप चाहिए पहले पेन से आप बना लीजिए, मार्कर से। मैं यहाँ पे एक जार बना रही हूँ, फेस बनाऊंगी। पर्सनली मुझे बहुत झार पसंद है और मुझे ये सीनरीज बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं झूला टाइप बनाऊंगी। ठीक है, कुछ भी बनाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे ब्लैक कलर से ही कलर करेंगे। अब यहाँ पे हम लीव्स बनाएंगे। जिन्हें ड्राइंग नहीं आता है ना, वो भी ये कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइंग आना इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जैसे ये फन टाइम एक्टिविटीज़ है,
बहुत हो गए इतना लीफ। नीचे हम लोग ग्रासेस के रूट सप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो आपने कितना जल्दी फटाफट बनता है ये पेंटिंग। अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे फ्लावर्स बनाएंगे। बेटा और फ्लावर मजा कहाँ पे है, बिना फ्लावर के कोई भी पेंटिंग कंप्लीट नहीं लगती। जस्ट आपको कलर में डिप करना है और एक्सेस कलर निकाल देना। आप चाहे तो यह बर्ड्स को रबर के साथ टाई कर दीजिए, पकड़ने में आसानी होगी। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे रबर बैंड, इसलिए मैं ऐसे ही रैंडमली कर रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग लग रही है ये। मैंने ये और एक बनाई है फ्रेम, इस पर भी मैं वैसे ही अप्लाई करूँगी।
फाइनल आउटपुट आपको दिखाती हूँ। ऐसे मैंने फ्रेम बनाई है। आप चाहते तो ये घर पे ट्राई करना और मुझे बता, मुझे व्हाट्सअप करना या तो आप मुझे फेसबुक पे टैग करिए। पर मेरे क्लासेस को लाइक करना मत भूलना। टेम्पल आर्ट क्रिएशन एंड हॉबी क्लासेस। बाय।